नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। चलिए ले चलते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। भारत में साउथ अफ्रीका ब्राजील के नए वेरिएंट की एंट्री, सभी क्वारंटीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, देश में अब तक लगभग 1,70,600 लोगों को लगाई गई वैक्सीन की दूसरी डोज। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 94 केस मिले। दिशा रवि के समर्थन में उतरी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रन के बड़े अंतर से हराकर मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। केरल महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दो राज्यों में देश के 72% एक्टिव मामले। आगामी बजट सत्र में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट रद्द कर सकती है कैप्टन सरकार। भाजपा ने गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की मंगलवार को घोषणा की। राज्य भाजपा के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश अनावाडिया और एक कुरियर कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष राम मुकारिया उपचुनाव लड़ेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और एक्टर राजकुमार राव वरुण शर्मा की अपकमिंग फिल्म रूही 11 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के विधायक ए जॉन कुमार ने मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सामी सरकार अल्पमत में आ गई है। उच्चतम स्तर पर खुलने के बाद आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद घरेलू शेयर बाजार गिरावट में पर बंद हुआ। हरियाणा यूपी के बीजेपी किसान नेताओं से मिलेंगे जेपी नड्डा, किसान मुद्दे पर होगी चर्चा। मोदी सरकार के डिजिटल स्ट्राइक का असर, सिमटने लगा चीनी एप्स का मार्केट। बीजेपी नेता और बिग बॉस कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट के घर चोरी, लाइसेंसी रिवॉल्वर भी ले गया चोर। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। लड़की के साथ 3 युवकों ने बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। ऑस्ट्रेलिया से एक महिला ने आरोप लगाया है कि संसद में उनका रेप किया गया। आरोप सामने आने के बाद मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जताया खेद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कोरोना विस्फोटक हुआ है। इस अपार्टमेंट में रहने वाले 103 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें ड्राइवर, मेड और रसोई भी शामिल है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2021 से शुरू हो रही है। इसके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कोहली ने माना चेन्नई में न टॉस न पिच, 12वीं खिलाड़ी ने पैदा किया अंतर। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार सुबह नर्सिंग छात्रों से भरी बस नहर में जा गिरी। बस का कंट्रोल खोने के कारण हुआ ये हादसा। नहर में से लगातार शवों को निकाले जाने का हो रहा काम, अभी तक 38 शवों को निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीमों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 18 मई से खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, बसंत पंचमी पर निकला शुभ मुहूर्त। 39 साल की सेरेना 40वें ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में, सिमोना हालेप बाहर। सीएम ममता का निशाना, बीजेपी आईटी सेल 21 वर्षीय लड़की और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर। ताजातरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, आज के लिए इतना ही। इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहे इससे न्यूज। धन्यवाद।